तो भाई लुकाकू की रोमा ज्वाइन करने की खुशी में मैंने फट से जाके अपनी रोमा की जर्सी पहन ली कि भाई कैसे येरवी को आने से पहले मेरे को पहले लुकाकू का जो मेरा प्रेम है, लुकाकू एज अ स्ट्राइकर, लुकाकू एज अ प्लेयर, लुकाकू एज अ पर्सनैलिटी जो मुझे इतना पसंद है यूनाइटेड में जब से वो था, उसका प्रेम दर्शाने के लिए मैंने रोमा की जर्सी पहन ली है। बट मेन मुद्दे पे आते आते हम ये बात करेंगे भाई आज कि काफी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं आज। बार्सा का आप कह सकते हो वेरी मतलब कंपेयर टू द बार्सा ऑफ लास्ट सीजन जो डिफेंसिवली बहुत सॉलिड थी, उसका बिल्कुल ऑपोजिट देखने को मिला हमारे को आज विलारियल के अगेंस्ट। वी ऑल्सो गॉट टू सी लिवरपूल कम बैक विद 10 मैन एंड विन अगेंस्ट न्यू कासल, और काफी काफी इंटरेस्टिंग रूमर्स आ रहे हैं। और मेरे को बस एक जो रूमर है जिसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, बाकी वीडियो में बात करेंगे, वो है भाई मैकटोमिने टू बायर्न की लोन डील के बारे में न्यूज आई है। भाई मेरे को लग रहा है इसकी याद मैकटोमिने वर्सेस लीड्स की हाईलाइट देख ली है टूकल भाई ने, और उन्हें लगता है मैकटोमिने वैसा प्लेयर है, या स्कॉटलैंड को खेलते हुए, स्कॉटलैंड के लिए खेलते हुए देख लिया टूकल भाई ने मैकटोमिने को, क्योंकि भाई बायर्न इंटरेस्टेड इन मतलब बायर्न इंटरेस्टेड इन मैकटोमिने इज नेम या बेटर अपग्रेड। भाई अपग्रेड मिल रही है भाई, भाई को लिटरली इज गोइंग टू गो एंड प्ले अंडर टुखेल एंड कुड पोटेंशियली विन द बुंडेसलीगा भाई, अगर जाता है तो, देखते जाता है या नहीं, बट दैट हैज टू बी द ट्रांसफर न्यूज ऑफ द डे। बात शुरू बार्सा वाले मैच से ही करेंगे क्योंकि सबसे फ्रेश मैंने लिवरपूल देखा नहीं था, सेम टाइम पे चल रहा था, तो आई विल लीव दैट मैच टू अचिन। बार्सा पे शुरू करते हैं एंड लाइनअप देखा तो मुझे पता था, मैंने देखा रॉबर्टो और अलोंसो को फुल बैक, मुझे पता था आज कलेश होने वाला है, ठीक है, मुझे पता है डिफेंसिव लोग घुसने वाले, लेकिन 15 मिनट के अंदर वी वर 2-0 अप। मैं भी खुश कि मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इतना अच्छा स्टार्ट मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। पहले गोल में भाई लामिन यमाल का इट वॉज अ ब्रिलियंट असिस्ट, और पहले मैच में भी उसने भाई जो क्रॉसेस मार रहा था वो लगातार डेंजरस लग रहे थे, बस फिनिश नहीं हो पाया था। आज के मैच में गैवी एंड गैवी की ब्रीफली बात करूँ तो गैवी लुक्ड गैवी टुडे, ही वॉज हसलिंग एंड बसलिंग फायर पोस्ट, स्कोर्ड अ ब्रिलियंट हेडर, एंड जो एनर्जी और जो कह सकते हो ना एक डायनेमिज्म आता है गैवी गेम में, और जो मार धाड़ कसता है एंड ही इज ऑलवेज अप फॉर फाइट, वो गैवी में दिखी है, जो कॉन्फिडेंस होता है ना प्लेयर वापस आ जाता है, वो चीज गैवी को देखने को मिली गोल के बाद। एंड फिर वही दूसरे गोल पे तो कह सकते हो बॉल उनके प्लेट से लड़के आ गई थी, वी स्कोर एंड उसके बाद पहला गोल तो हेडर था जिसपे आई एम नॉट श्योर वॉट मार्कस अलोंसो वॉज डिफेंडिंग। दूसरे गोल की बात करें तो गैवी ने ऑफ साइड लाइन की ऐसे माखी आंख की थी वहां पे, तो मतलब ही वॉज डिफेंसिव लाइन से कम वो 4 या 5 यार्ड पीछे था एंड ही प्लेड द प्लेयर ऑन साइड, एंड भाई फिलहाल का गोल अच्छा था, नॉट डिनाइंग दैट, बट वहां पे अगर गैवी भाई नहीं होते तो वहां पे ऑफसाइड हो सकता था। 2-2 एंड हाफ टाइम के बाद इट वेंट टू 3-2। अब देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे, रोबर्टो को हम क्यों खिला रहे हैं, रोबर्टो इज अ लाइबिलिटी, उसको राइट बैक नहीं खिला सकते, मुझे समझ में आ रहा है हमारे पास प्लेयर्स नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक मैं मान रहा हूँ, तो मजबूरी ही खिलाना, इंजरीज है ऑब्वियसली, नीगो मार्टिनेस इज आउट, अरोहो इज आउट, पेट्री इज आउट, लेकिन पेट्री इज ऑब्वियसली नॉट अ डिफेंडर, जो दो हमारे जो सेंटर बैक्स हैं वो बाहर हैं, अगर उसमें से कोई एक फिट होता तो कुंडे या अरोहो में से कोई एक राइट बैक खेल लेता, नीगो फिट होता तो कुंडे राइट बैक खेल लेता, उतनी दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, कैंसोली डील अभी फाइनलाइज हुई नहीं है, तो रोबोटो वॉज ओनली ऑप्शन। लेफ्ट हैंड साइड पर भी मैंने पिछले मैच में बात की थी कि बाल्डे की इंजरी कंसर्न है तो शायद वो ना खेले, फिर न्यूज ये आ रही थी कल तक, मैंने कल की वीडियो में बोला था कि अलोंसो शायद रजिस्टर नहीं हुआ, बट वो जो रजिस्ट्रेशन न्यूज थी आई डोंट नो द एक्यूरेसी ऑफ दिस करंटली, क्योंकि उस पॉइंट पे क्रेडिबल जनरे से बोल रही थी कि अलोंसो रजिस्टर नहीं है, फिर उसके रजिस्टर होने की कोई न्यूज आई नहीं, बट अलोंसो वॉज रजिस्टर्ड बिकॉज ही प्लेड टुडे। एंड दोनों फुल बैक्स की अगर मैं बात करूँ, दोनों कंपैरिजन करूँ, क्योंकि सेंटर बैक्स वर गुड भाई, सेंटर बैक्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था फुल बैक्स, सेंटर बैक्स का दोनों का अच्छा गेम था, क्रिस्टेंसन का भी फर्स्ट हाफ में क्योंकि 45 मिनट था वो, ही हैड अ गुड गेम, कुंडे वॉज देयर फॉर द 90 मिनट्स एंड ही हैड अ डिसेंट गेम टू। रोबर्टो भाई डिड नॉट वन अ सिंगल एरियल ड्यूअल, डिड नॉट वन अ सिंगल ग्राउंड ड्यूअल, पासिंग एक्यूरेसी भाई की ठीक थी, उसके अलावा डिड नॉट प्रोवाइड एनर्जी, डिफेंसिवली ही वॉज एट्रोशियस, और मार्कस अलोंसो की डिफेंसिवली तो क्या ही बात करूँ, मार्कस अलोंसो वॉज स्टिल बेटर डिफेंसिवली एज कम्पेयर टू रोबर्टो भाई, लेकिन भाई ये कंपैरेटिवली बेटर था। ओवरऑल वी नीड न्यू फुल बैक्स भाई, न्यू न्यू फुल बैक्स का ऑब्वियसली कैंसिलो आ रहा है एंड बाल्डे विल कम इन, तो दिस इज बाउंड टू इम्प्रूव, बट ये है कि आपका बैकअप इतना खराब नहीं हो सकता क्योंकि इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम, एंड मान लो अगर कैंसिलो इंजर्ड होता था चलो ठीक है और वो वगैरह वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर बाल्डे इंजर्ड हो गए तो आप किसको खिलाओगे, क्या अलोंसो वहाँ खेल नहीं सकता, ही इज नॉट गुड इनफ टू प्ले एज अ लेफ्ट बैक, विंग बैक खिला रहा तो भी मैं एक बार सह सकता हूँ, लेफ्ट बैक पे उसके पास डिफेंसिव आउटपुट नहीं है, आपको जॉर्डी अल्बा चला गया, आपने कोई कोई रिप्लेसमेंट आप लाए नहीं, मैं जान रहा फाइनेंसिस की दिक्कत है, ठीक है यू यू लॉस बुस्केट्स, यू आर रिप्लेसिंग विद ओरेलमो, ओरेलमो मैं कहूँगा जितनी उसकी स्किल जितनी उसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से ही इज डूइंग डिसेंट, बट स्टिल ही इज नॉट गुड इनफ फॉर द बार्सिलोना टीम भाई, वो बॉल पर घूम नहीं सकता भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कैनॉट टेक अ टर्न ऑन द बॉल, कीपर से पास आ रही ना वो लेके नहीं घूम सकता, एनी कैन प्ले प्ले द बॉल टू द नेक्स्ट मैन, मतलब वही बात है लिमिटेड प्लेयर है भाई, आई रिस्पेक्ट इन्हीं प्लेयर की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट बात है ना एक लिमिटेड प्लेयर होता है जिसके पास लिमिटेड एसेट्स होते हैं, वो गेम सिंपल लगता है, कुछ भी अपने औकात से ज्यादा करने की कोशिश नहीं करता, एंड दैट इज इंटेलिजेंट प्लेयर फ्रॉम हिम, बट अंडर सर्टन सिचुएशन जो फर्स्ट हाफ में हमें दिख रहा था कि जब भाई हाई प्रेस कर रहे थे वो देवर टारगेटिंग रोमो, और रोमो पे बॉल आती है जो प्रेस होता है वो, अगर उसको बॉल लेकर घूमना है इफ ही हैज अ सिंपल पास ही विल प्ले,
बट इफ ही हैज टू टर्न विद द बॉल तो फिर आप राम भरोसे हो भाई, 10 में से 5 बार आप बॉल खो गए एंड वी वर लूजिंग द बॉल। फर्स्ट हाफ में आप फाउल भी हुआ था, ऑल द फ्री की कुछ बना नहीं, लेकिन रोमो इज समहाउ अ लायबिलिटी देयर एंड डेफिनेटली वो बुस्केट्स रिप्लेसमेंट नहीं है कंसिडरिंग वी आर ओनली इन द लीग व्हेन वी गो इनटू द चैंपियंस लीग। मुझे उस चीज का कंसर्न है, लीग में तो ठीक है बहुत सारी टीमें हाई प्रेस नहीं करती हैं, गिन चुन के 5-6 टीमें जो हाई प्रेस करेंगे हमें, लेकिन जब आप चैंपियंस लीग में जाओगे देर विल बी अ लॉट ऑफ टीम्स विच आर गोइंग टू प्रेस यू हाई स्पेशली इफ वी रीच द नॉकआउट स्टेजेस। तो फिर आप रोमो के साथ कैसे हैंडल करोगे या फ्रेंकी कम्स इनटू दैट रोल, अब वो देखने वाली बात होगी भाई। फ्रंट लाइन की बात करूं लेवनडॉस्की, फिर से मैं कहूंगा ऑल्दो ही गॉट अ गोल होपफुली उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो उससे, लेकिन आई एम नॉट इम्प्रेस्ड अगेन भाई। हैड सो मेनी चांसेस आखिर में था एक 1v1 विद द कीपर एंड भाई अगर आप लेवनडॉस्की ऐसे स्ट्राइकर से यू एक्सपेक्ट हिम टू बरी इट बट कीपर सेव्ड इट। उसके पास और भी चांसेस थे, एक चांस था ही टुक अ शॉट, कीपर का अच्छा सेव था, बट ये होता है गेम में इन्वॉल्वमेंट की बात होती है वो नहीं, फिर नहीं। लास्ट वाले मैच से ही वॉज बेटर बट ओवरऑल वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ नंबर 9 हु इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, मतलब अब बायर्न में देख लो, बारसा में लास्ट सीजन देख लो परफॉर्मेंस नहीं थी बट अब अभी भी उसके जो नंबर्स हैं ही इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, वो कहीं भी नहीं दिख रही, ही डज नॉट लुक लाइक अ टॉप स्ट्राइकर वर्ल्ड क्लास तो छोड़ दो। फेरान टोरेस केम इन, फेरान टोरेस भाई मेड अ डिफरेंस, 2 मैच 2 गोल है एंड मैंने सीजन की शुरुआत में बोला था कि भाई फेरान टोरेस को मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ तो अभी भी उसको बेचना नहीं चाहिए क्योंकि अगर उस पर कॉन्फिडेंस आ गया तो बंदा ही कैन प्ले एंड 2 मैच 2 गोल ही इज लुकिंग कॉन्फिडेंट राइट नाउ। अगले मैच देखते हैं उसको स्टार्ट मिलता है नहीं मिलता उसे सुना से, पर ये है कि वी हैव समवन ऑन द बेंच हु कैन कम ऑन एंड मेक अ डिफरेंस एंड इवन स्टार्ट द मैच। बस एक ही कंसर्निंग बात ये है ना बार्सा के लिए, हमने कितने प्लेयर गए हमारे, बुस्केट्स गया, जॉर्डी अल्बा गया, डेम्बेले गया, डेस्ट गया है, केसी गया है भाई, तो पांच मतलब डेस्ट तो चलो नहीं था लेकिन मैं बाकी 4 को बोलो 4 फर्स्ट टीमर्स गए हमारे, ठीक है हमने उसको रिप्लेस किससे किया है, दैट देर इज ओनली वन कम इन दैट इज ओरियल रोमो भाई। रियलिस्टिक देखो और चलो मैं मान रहा हूँ इनिगो मार्टिनेज सेंटर बैक आया है एंड कैंसेलो भी आ जाएगा, बट आप एक क्लब जो टाइटल जीता है वो इज लुकिंग टू विन टॉप टाइटल्स इन यूरोप, क्या हम ऐसे खेल सकते हैं? ऑब्वियसली गुंडे को भी हमने ऐड किया बट दैट इज ऑन अ फ्री ट्रांसफर एंड कैंसलो भी लोन होगा और इनको मार्टिनेज भी फ्री है, कल ही हमने ओरियल रोमो के पैसे दिए हैं ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज इट। तो ऐसे एडिशन से मतलब देखो गुंडे का टॉप प्लेयर, इनको मार्टिनेज इज अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जो नहीं था हमारे पास, ठीक है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एडिशन, ही इज अ फाइटर, लेकिन इज दिस इनफ टू विन द लीग अगेन कंसिडरिंग जो रियल मैड्रिड ने अपने एडिशन किए 100 मिलियन बेलिंगम के लिए एंड ऑब्वियसली इन द चैंपियंस लीग आपको पता है मैं क्या स्थिति, 2 साल से हम नॉकआउट स्टेजेस मेक नहीं कर पा रहे, तो क्या इस टीम के साथ हम कर पाएंगे? दिस टीम हैज टू स्टेप अप, और मतलब एक अच्छी बात भी है बट वही है कि इट हैज टू साइड्स टू इट्स कॉइन, दैट इज लामिन यामाल, आर बेस्ट प्लेयर इज अ 16-year-old, दैट टेल्स अ लॉट अबाउट बार्सिलोना, मतलब एक तो बार्सिलोना अकेडमी की ये तारीफ है कि एक 16 साल का बंदा कमिंग आउट एंड परफॉर्मिंग एट द प्योर टॉप ऑफ हिज गेम, भाई व्हाट अ प्लेयर, भाई व्हाट अ प्लेयर, मतलब 16 साल के बंदे में इतना गेम सेंस है ना, ही नोज व्हेन टू ड्रिबल, व्हेन टू पास, व्हेन टू टेक अ शॉट और ओवरडू कुछ भी नहीं करता भाई, ही इज दोनों पैर भी चलते, उसने राइट से मारी थी पोल लग गई थी, लेफ्ट से मारी थी पोल लग गई थी एंड वेंट टू लेवनडॉस्की, लेवनडॉस्की स्कोर्ड, गॉट एन असिस्ट, टोटली डिजर्व्ड अ गोल। तो बात ये लेकिन अब एक 16 साल के बंदे पे बार्सिलोना जैसे क्लब की होप्स नहीं होनी चाहिए, दैट इज द ओनली कंसर्न, ही मतलब ही इज अ टॉप टॉप टैलेंट, प्रॉबली हैज सीन एम्बापे एट 16 एंड आई थिंक ही इज इक्वल टू एम्बापे, जो एम्बापे 16 पे खेल रहा था ना एंड ही इज इक्वली गुड राइट नाउ, क्योंकि एम्बापे वॉज प्लेइंग इन द लीग 1, ही स्कोर्ड 16-17 गोल्स इन हिज डेब्यू सीजन, वो पूरा सीजन खेला नहीं था उसने, मुझे बहुत क्लियरली याद है, चैंपियंस लीग में उसने गोल मारते, ही वॉज यंगेस्ट स्कोर, लामिन यामाल इज इक्वली गुड एज एम्बापे, और स्टेटमेंट नहीं है, एट 16 ही इज इक्वली गुड, एट 20 ही विल बी इक्वली गुड, दैट इज समथिंग टू सी, लेकिन 16 साल की उम्र में ही इज इक्वली गुड एज एम्बापे एंड डेफिनेटली ही कैन बी अ वर्ल्ड बीटर, बट 16 साल की उम्र में मैं उसको ज्यादा खिला के उसको ओवरडू नहीं करना चाहता हूँ भाई, he should not be our hope to win us matches for a club like barcelona is as simple as that। barsa ke match pe to main zyada kuch nahi kahunga but lamine yamal ki cheez pe main ek kahunga ki bhai aap ek trend dekho barsa ke sath, they have very very young players jo bahut jaldi aap keh sakte ho development dikha rahe hain, pedri dekho, gavi dekho, now lamine yamal, if he continues on the trajectory bhai ab chahte ho kare, kyunki ansu fati ke sath it was unfortunate ki uske sath jo fitness ki concerns rahe he could not, but ek cheez hai ki आपके क्लब में ना एक ऑप्टिमम सेटअप रहना चाहिए कि कैसे आप इन प्लेयर्स को ना धीरे धीरे फेज इन करो जिससे ये बर्नआउट नहीं हो जल्दी, एंड आई वुड से पेड्री के साथ कहीं ना कहीं आई एम नॉट सेइंग ही इज गेटिंग बर्नट आउट बट जिस फ्रीक्वेंसी उसको उसको खिलाया जा रहा है ना और जिस पे एक तरीके से आपने बर्डन बांध दिया उस पर, उस वजह से कहीं ना कहीं प्लेयर बॉडी आपकी यार धीरे धीरे डेवलप होती है, यू गेट यूज टू द सीनियर गेम स्लोली एंड स्लोली, एंड आई थिंक एट दैट एज 18-19 16 साल की उम्र में आप यूज टू आप धीरे धीरे हो रही होती, यू आर स्टिल ग्रोइंग एट 16 भाई, आपकी अभी तो हाइट भी पक्की नहीं होती 16 साल की उम्र पे, तो यू स्टिल ग्रोइंग, आई थिंक ये एक फैक्टर है विच ऑब्वियसली बार्सा हैज टू कीप इन माइंड रिक्रूटमेंट वाइज, क्योंकि रिक्रूटमेंट वाइज आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यू आर अलाउिंग दीज प्लेयर्स टू कम इन अ प्रेशर लेस एनवायरमेंट और बिना प्रेशर के, प्लस दे कैन कम इन एंड प्ले धीरे 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 फेज इन करो जिससे 20 की उम्र पे फिर ऐसा होगी यू आर गेटिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ देम
फुली फिट। बाकी आए भाई लिवरपूल के मैच पे, तो लिवरपूल के मैच पे सिमिलर कथा है मेरी। अगर ट्विटर पे आप लोग फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर लो, मैं अपने दुख FPL के अदा करता रहता हूँ ट्विटर पे। और फिर से मैंने नूनेज निकाला, मैंने सोचा निकोलस सैक्सन ने गोल मारा तो चलो FPL पेड ऑफ, वी आर गोइंग टू अटैक FPL दिस सीजन। चेल्सी वर्सेस लूटन के बाद मैंने बोला गुस्टो, क्योंकि 14 पॉइंट लाया था और हमारा जैक्सन 7 पॉइंट लाया था, और उसके बाद भाई पता चला कि आज 11 पॉइंट ले आए हमारे नूनेज भाई, तो मेरे कायदे से 8 पॉइंट और होते, बिकॉज -4 मैंने लिया था जैक्सन के लिए। तो देखो FPL की ज्यादा बात मैं करूंगा नहीं, बट मेरा FPL में सबसे ज्यादा बुरा कटता है, और कैश मेरा बेंच पे था, तो मतलब आप सोच लो कि हैवर्ट्स पे मेरा भरोसा दिखा कि कितना ज्यादा मैं FPL में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। बट कमिंग टू द मैच, आई वुड से इट इज अ वेरी बिग लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर न्यूकासल भी है, क्योंकि यू ऑलमोस्ट प्लेड 60 मिनट्स विद वन मैन विद अ वन एडवांटेज। ठीक है, दे वर अटैकिंग, आई वुड से अटैक कर रहे थे, ठीक है, फिनिशिंग कुड बी बेटर। एलमिरॉन का एक पोस्ट लग गया था सेकंड हाफ में, देर आर लॉट ऑफ चांसेस। बार्न्स की आप कह सकते हो एक चांस ही पर्टिकुलर जिसमें उसकी डिसीजन मेकिंग वाज ऑफुल, मेरे हिसाब से उसको विल्सन को पास कर देना चाहिए था, उसने नहीं दिया, विल्सन वुड हैव स्कोर्ड। एंड उसके बाद मतलब होता ना किलिंग इंस्टिंक्ट, किलर इंस्टिंक्ट नहीं था, एंड आई थिंक उसी चीज पे लिवरपूल ने आइडेंटिफाई करके, होता है ना लिवरपूल का ये कि मतलब यू स्मेल ब्लड एज अ टीम, तो उन्होंने लिवरपूल ने दे स्मेल्ड ब्लड और उन्होंने अटैक किया भाई। आप फर्स्ट हाफ में देखो तो ऑब्वियसली यू हैड टू मेक अ कंजर्वेटिव चेंज, अब डियास को उतार के आप जो गोमेस को लेके आए, बट सेकंड हाफ में फिर देन यू आर अटैकिंग द गेम भाई, आप जोटा को लेके आए, आप नूनियस को लेके आए, फिर आपने मतलब वो होता ना यू केप्ट द मेन प्लेयर्स ऑन एज वेल, आपने सबोजलाई को नहीं उतारा, सबोजलाई की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई थिंक आप वो नहीं देख रहे हो सबोजलाई की भाई सेट पीस मार रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, यू नॉट सीइंग आउटपुट फिजिकली, मतलब होता ना टेंजिबल आउटपुट आपको देखने को नहीं मिल रहा कि भाई गोल और असिस्ट, बट गेम पे जो इम्पैक्ट है ना, टेम्पो जो डिक्टेट कर रहा है सबोजलाई, आई थिंक ही हैज बीन अ वेरी गुड साइनिंग फॉर लिवरपूल भाई। एंड क्लियरली जो उसका आप कह सकते हो लाइपजिग में जो उसने हमारे को जो झलक दिखाई थी ना ऑफ द प्लेयर ही कैन बी, एंड फॉर हंगरी स्पेशली, वो मेरे को लिवरपूल में वो दिख रही है उसके अंदर। तो आई वुड से कि भाई बहुत अच्छा कमबैक था, एंड मेंटालिटी वाइज लिवरपूल के लिए भाई इफ दे हैडंट वॉन दिस मैच, अगर वो हार जाते तो भाई सिर्फ इनके कितने 3-4 पॉइंट होते हैं इनके फ्रॉम द ओपनिंग 3 गेम्स, विच इज नॉट अ गुड स्टार्ट, बट नाउ यू हैव 7 पॉइंट्स। अब स्पर्स आर्सेनल इन सब के ऑन पार हो, ठीक है, सिटी से आप 2 पॉइंट पीछे हो अभी, सिटी ऑल्सो वॉन टूडे, एंड सिटी का मतलब रॉड्री का भी आप देख सकते हो भाई, मतलब 3 मिनट आफ्टर कंसीडिंग दे स्कोर्ड अ गोल। बट लिवरपूल के केस में आई वुड से कि ये बहुत ही ना मोरल बूस्टिंग विन, जो आपको इट कैन सेट यू ऑन, एक होता है ना आपका जो विनिंग स्ट्रीक आती है आपका, ये ऐसी विन है जो एक स्पार्क की तरह एक्ट कर सकती है भाई। और जिस हिसाब से सेलिब्रेशन थे, थ्रो पे ट्रेंट जैसे सेलिब्रेट कर रहा था, वैसे ट्रेंट भाई ने वो गोल खाया था, उसकी गलती से पूरा गोल पड़ा था, बट ट्रेंट जैसे सेलिब्रेट कर रहा था इन द होल टीम, आई थिंक दिस कैन बी वेरी बिग फॉर क्लॉप भाई, बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि लिवरपूल का डिफेंस इज स्ट्रगलिंग। आई वुड से वैन डाइक लुक्ड वीक टुडे, एंड वैन डाइक का मजाक उड़ रहा था ना, मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा कमेंट सेक्शन में कि क्या वैन डाइक इज वन ऑफ द मोस्ट ओवरहाइप्ड डिफेंडर्स इन द प्रीमियर लीग फॉर द रीसेंट सीजंस, बिकॉज 1.5-2 सीजन वैन डाइक वाज टॉप नॉच, बट उसके बाद वैन डाइक का जो कह सकते हो ना दैट कंसिस्टेंसी हैज ड्रॉप्ड मैसिवली उसकी इंजरी के बाद से, मैं कहूंगा आपका ओपिनियन चाहूंगा इस पे, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं किसी चीज में आग नहीं लगा रहा, मैं बस घी डाल रहा हूँ थोड़ा सा, आग आप लोग लगाना, ठीक है। बाकी आते हैं अब यूनाइटेड की ट्रांसफर न्यूज पे, यूनाइटेड की जो ट्रांसफर न्यूज है भाई, तो मैंने इंट्रो में भी कहा था कि मैकटोमने की भाई न्यूज आ रही है कि क्रिश्चियन फॉल्क, जो आप कह सकते हो बायन के काफी क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये कहा है कि भाई मैकटोमने एंड ग्रेवनबर्ग का एक्सचेंज स्वॉप लोन हो सकता है, जो पता नहीं, मतलब आई डोंट नो बायन के लिए ज्यादा बड़ी विन है या हमारे लिए ज्यादा बड़ी विन है। अगर ग्रेवनबर्ग फुलफिल्स द पोटेंशियल जो उसने आईएक्स में दिखाया था, नहीं इज एबल टू मतलब डू समथिंग गुड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि अगर आप देखो जो सैबिट्जर का लोन स्पेल था, आई वांटेड इट टू बी लिटिल बेटर देन इट वाज, क्योंकि इंजरी भी हो गई थी सैबिट्जर को, तो वी आर गेटिंग अ प्लेयर फ्रॉम बायर्न, ज्यादा यंग है वो, 21 साल का है सिर्फ, आप मैकटोमने भेज रहे हो अपने भाई स्कॉटिश, हमारे आप कह सकते हो स्कॉटी टू हॉटी, हम आप भेज रहे हैं वहां पे, तो होपफुली इफ दिस न्यूज इज एक्चुअली क्रेडिबल, क्योंकि क्रेडिबल सोर्स है तो ये हम डील कर सकें, क्योंकि मैकटोमने को अगर आप ऑफलोड नहीं कर पा रहे हो, बट इफ यू आर गेटिंग अ प्लेयर ऑफ द बेटर ऑफ अ राइट प्रोफाइल ऑफ अ फिटिंग प्रोफाइल इन, आप कम सैलरी दोगे एक तो वैसे भी, आई थिंक मैकटोमने की सैलरी उससे तो ज्यादा होगी ग्रेवनबर्ग से, जैसे आपसे यूनाइटेड की हरकतें हैं, तो आप बायन को चिपका दो मैकटोमने, होपफुली इफ ही वर्क्स आउट वेल बायन वांट टू बाय हिम एंड वी कैन गेट ग्रेवनबर्ग, एंड जो भी ऑप्शन टू है, जो भी होगा, जो भी रख लो, इट विल बी अ वेरी स्मार्ट डील, क्योंकि लोन डील ना बहुत जल्दी हो जाती है, एंड अगर आपने लोन स्वॉप जल्दी कर लिया तो यू कैन गेट हिम इन टाइमली, आई वुड से फॉर द आर्सेनल मैच, क्योंकि आर्सेनल के मैच के दिन आई थिंक विंडो तब तक बंद हो जाएगी बेसिकली जब आर्सेनल का मैच हमारा है, तो वी रियली नीड दिस मूव, ठीक है। लुकाकू टू रोमा के मूव के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने पूरा उसका आप कह सकते हो गिवन हिम अ शाउट आउट जर्सी पहन के, बट मोरिनियो और लुकाकू रीयूनाइट होंगे क्या, मोरिनियो कॉन्टे वाला जो आप कह सकते हो कॉन्टे का जो इफेक्ट था लुकाकू पे पॉजिटिव, क्या मोरिनियो पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं लुकाकू पे, वो देखने की बात है। एंड फाइनली एक चीज है कि मैटियास नूनेस पे जो बिड है मैनचेस्टर सिटी की, वो रिवाइज बिड डाल रहे हैं 60 मिलियन से ऊपर की, वो बिड होने वाली है, एंड आई थिंक दिस पोटेंशियल मूव कुड, मतलब होता है ना लिवर
ऑलरेडी रूबन नेवेस खो चुकी है बुल्स, एंड इफ दे लूज मैच नूनियस एज वेल, मतलब ये आपके बहुत डैमेज कर सकते हैं टीम को. आई थिंक स्टिल टीम सर्वाइव कर सकती है, बट फॉर द बुल्स के लिए बहुत खराब रहेगा ये मूव. एंड फॉर सिटी इट विल बी अ ग्रेट मूव भाई, ऑब्वियसली बिकॉज पकेटा पे दे मिस्ड आउट. ज्यादा ज्यादा उत्कर्ष की मैं उस पर ओपिनियन लूंगा कि मार्कस अलोंसो अपेरेंटली यूनाइटेड, कुकुरेला की तो बात चल रही थी बट यूनाइटेड अपेरेंटली मार्कस अलोंसो के लिए नेगोशिएट कर रही है बारसा के साथ, और जो मैं हेल्पिंग हैंड देना चाहते हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा. और लपोटा ने ये भी कहा है कि एफएफपी का बारसा के पास एक और रूम है कैंसेलो के बाद, तो उस पे क्या है? मार्कस अलोंसो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड उसी लेवल का मूव है जिस हिसाब से बायर्न मैकटोमनी में इंटरेस्टेड है, तो इफ यूनाइटेड वांट्स टू कम आराम से 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी दे दो ले जाओ. एंड ऑन दैट लपोटा लीसीज, मुझे लग रहा है वो जो प्लेयर है एक और आएगा दैट वुड बी जाओ फेलिक्स इन माय ओपिनियन, क्योंकि बारसा के पास फंड्स तो है, दे आर नॉट स्पेंडिंग इट प्रॉबली. आई थिंक वो वही है कि लास्ट डे तक खींचेंगे फेलिक्स के साथ, 3 दिन ही बचे हैं, मतलब आज के दिन मिला तो वैसे 4 है, 3 या 4 दिन बचे हैं भाई, एंड फेलिक्स नहीं खेलने वाला है एंड एथलेटिको उसको रखना भी नहीं चाहेगी, तो दैट मूव विल हैपन टू बार्सिलोना और ही विल गो टू सऊदी, क्योंकि सऊदी की विंडो यूरोप से थोड़ी शायद ज़्यादा टाइम तक खुली हुई है, तो बार्सा आएगा या फिर वो सऊदी जाएगा, और कोई मूव मुझे होते हुए नहीं दिख रहा, तो मुझे वो एक प्लेयर मेरे ख्याल से वुड बी जाओ फेलिक्स. एंड एक और आप लोग से मुझे ओपिनियन देना था भाई कि जाते जाते क्या वो वैन डाइक का रेड कार्ड था, इन माई ओपिनियन इट वॉज हार्श, मेरे हिसाब से वो रेड कार्ड नहीं था भाई, दैट वॉज नॉट अ रेड कार्ड. आप लोगों का क्या ओपिनियन है? ऑब्वियसली जो यूनाइटेड लिवरपूल फैंस होंगे वो मेरे साथ होंगे, जो नहीं होंगे वो मेरे खिलाफ हो सकता हो. नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूँ वैसे, मैं भी अग्री करता हूँ इस बात पर कि मेरे को भी हार्श लगा था वैसे. मेरे को भी हार्श लगा, आई थिंक दैट वाजंट अ रेड कार्ड, बट लिवरपूल जीत गई तो इस पॉइंट में मैटर नहीं करता. अपील करेंगे, देखते 3 मैच का बैन होता है कि नहीं होता, डायरेक्ट रेड कार्ड है. और हम भी आपसे एक अपील करना चाहेंगे भाई, अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो इस लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, एंड वी विल कैच यू टुमारो. बाय बाय.